नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टेक्निकल मुकाबला में। दोस्तों, अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर मिले, कोई भी ऐसी कमेंट मिले जो कि आपसे कहता है कि हम आपके पीएफ से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व कर देंगे, उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, जैसे कि पीएफ केवाईसी अप्रूव कराने के लिए, पीएफ में नाम या डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए, या रिज़ाइन डेट, मतलब कोई भी ऐसे काम के लिए आपको कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो कि आपसे कहता है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, ये आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। जी दोस्तों, कर सकते हैं या करते हैं। अब देखिए ये लोग करते क्या हैं, सिंपली मेरी किसी वीडियो के नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट करेंगे और कहेंगे पीएफ से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवाएं, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आप क्या करते हो, उन पे कॉल करते हो और कहते हो कि हाँ भाई केवाईसी अप्रूव करानी है। वो बोलते हैं हो जाएगी। आप बोलते हो कितने रुपये लगेंगे, इतने इतने, मतलब जो भी चार्ज है, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे ही उन्हें अपनी डिटेल सेंड करते हो, मान लीजिए वो आपको कहेंगे ना अपना यूएन नंबर पासवर्ड सेंड करो, और जैसे ही आप अपनी डिटेल सेंड करते हो, उनमें से कई लोग तो क्या करते हैं भाई, जैसे आपने डिटेल सेंड करी, आपने डिटेल सेंड करी और आपसे फिर पैसे की डिमांड करते हैं कि भाई 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 इतने रुपए लगेंगे, और उसके बाद कहते हैं कि भाई पैसे ट्रांसफर करो। जैसे ही आप पैसे भेजते हो, वो अपना नंबर बंद कर लेते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, जो भी, मतलब पैसे डूब जाते हैं। और दूसरे केस में क्या होता है भाई, आपने अपना यूएन पासवर्ड भेजा, अब वो कुछ भी आपका पासवर्ड चेंज कर देंगे, मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, केवाईसी पेंडिंग में डाल देंगे और कहेंगे कि भाई 2,000 रुपये जब भी ठीक करेंगे वरना नहीं करेंगे। अब मैं ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा हो चुका है। मेरे पास कल एक मैसेज आया भाई का व्हाट्सअप पे, मैं आपको इस वक्त बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, ठीक है, आपको प्रूफ दिखाऊंगा क्या मैसेज आया। तो इस वक्त आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे चैट देख सकते हो। इस भाई ने बोला हेलो, बोला भाई आपकी वीडियो इसमें, मतलब मुझे पक्का याद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखा था, ठीक है। इनने बोला हेलो भाई, आपकी वीडियो देखता हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है, क्या आपकी वीडियो के नीचे जो कमेंट में नंबर रहते हैं क्या वो रियल रहते हैं, सच में आपके पीएफ का जो पीएफ का प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन निकाल के देते हैं। तो मैंने उनसे कहा नहीं भाई, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना, ये आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। और उसने फिर क्या लिखा भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा कि भाई मैं तो फंस चुका हूँ और पैसे भी दे चुका हूँ। आप देखिए इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने पैसे दे दिए और उन्हें पता नहीं क्या मेंबर आईडी जोड़ दी और उनकी केवाईसी, मतलब पीएफ का ही ऐसे तैसी कर दी पूरी। अब देखो मैंने वीडियो पहले ही बनाई थी, फिर भी मतलब आप लोग समझते ही नहीं हो यार कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी ही नहीं, किसी के भी क्रिएटर की वीडियो कमेंट बॉक्स में जो नंबर आते हैं ना, उन पर कॉल ना करें और खासकर अपनी डिटेल सेंड ना करें। ये एक नंबर के फ्रॉड होते हैं, मैं सभी कह रहा हूँ जो कॉन्टैक्ट पे अपना नंबर देते हैं ना, वो फ्रॉड होते हैं और आप लोगों की डिटेल्स के साथ बिल्कुल घटिया हरकत करते हैं और उसके बाद आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े और ना ही किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना जो डिटेल है वो सेंड ना करें, शेयर ना करें। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, लास्ट में फिर मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को अपनी डिटेल शेयर ना करें। धन्यवाद दोस्तों।